इतने एक्साइटेड है इस मूवी को लेकर, बहुत सारे चर्चे चल रहे हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटी बहुत कुछ बोल रहे हैं, आप कितने एक्साइटेड? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैंने ट्रेलर देखा और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और ऑफकोर्स डीनू और होमी की जो जोड़ी है वो कमाल की, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच। सर कैमरा के पास देखिए, आप सुशांत का आज न्यूज़ आई है, अनुपमा हॉस्पिटलाइज, क्या है वो, उनको थोड़ा क्लियर आउट करें। वो उनके अपेंडिक्स की प्रॉब्लम हुई है, सो माइनर सर्जरी है, बिग कंसर्न। अच्छा, इस पोस्टर में हम देख सकते हैं इससे बहुत सारे लोग लाइफ फाइंड कर रहे हैं, लव फाइंड कर रहे हैं, सुशांत आप क्या फाइंड कर रहे हैं? मैं फिलहाल तो अपने कैरेक्टर की जो मैं पानी में प्ले करने वाला हूँ, तो आई एम प्रेपिंग फॉर दैट, सो वर्किंग टूवर्ड्स इट। तो मैं ढूंढ रहा हूँ कि एग्जैक्टली कैसा किरदार होना चाहिए जिसको मैं प्ले करूँ। देना हुआ जी हाँ, एक ये पिछले साल मैंने शूट किया और काफ़ी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है और काफ़ी मतलब मेरे लिए कह लीजिए बहुत ज़्यादा लर्निंग प्रोसेस रहा मिस्टर ईरानी के साथ, मतलब उनके फ्रेम में मैं बिना कुछ बोले भी खड़ा रहता, तो अगर आप थॉट कि मैं बहुत सकी हूँ, लेकिन मेरे डायलॉग भी है और एक गाना भी है जो मैं गा रहा हूँ, तो आप लोग देखिए और बताइए। नहीं नहीं, मतलब हीरो की तरह गा, सिंगर की तरह नहीं। थैंक यू, थैंक यू। वरुण यार, ये अच्छा नहीं किया आपने, और सेलिब्रिटी फैन नहीं वरुण, ये अच्छा नहीं किया यार आपने। ये शैला खान है जो बहुत ही उभरती हुई डिजाइनर है, कुछ शब्द बोलना चाहती है आपको वैसे। वरुण वैसे आपने अच्छा नहीं किया, क्या नहीं किया वहाँ पे उनके साथ फोटो खिंचाया हमारे साथ। भाई आप लोग मूविंग लाइव तस्वीर ले रहे हो, उसी वाले जो इधर आदमी खड़े हैं उनका, उनके साथ में इंटरव्यू देना चाहोगे? मेरे भी प्लीज, आप देख रहे हैं इनको, आपने बहुत टाइम पहले दाढ़ी के साथ देखा था, दाढ़ी हमने दिलवाई थी, अभी ये यंग फ्रेश फेयर एंड लवली बॉय श्रीराम इज शेप्ड। अच्छा, आपके लिए मैं सवाल पूछूं, दिनेश अखिली फिल्म में ले रहे हैं? ऑलरेडी है, ऑलरेडी है, बदलापुर की है ना हम लोग ने साथ में, कंप्लीट हो गई, वो रेडी है, 20th फेब को रिलीज होने वाली, उसमें आप वरुण धवन को देखेंगे एक नए अवतार में, बहुत उदास अवतार में। ये नहीं नहीं, ये बदलापुर का नहीं, ये उनका ABCD का लुक है। मैं उनकी बदलापुर की बाद वाली पिक्चर का लुक है, हम वो भी प्रमोट कर रहे हैं, हम लोग बस प्रमोट कर रहे हैं। वरुण हमेशा टॉक अबाउट फाइंडिंग फैनी जो इन्होंने बनाई है और होमी ने डायरेक्ट की, और बहुत ही बेहतरीन फिल्म होने वाली है ऐसे मैंने सुना है, और मैं देखना चाहता हूँ। मेरे काफी दोस्त है इस पिक्चर में, जैसे कि अर्जुन कपूर, एक ही दोस्त है सॉरी, और बाकी बहुत सीनियर लोग हैं इंडस्ट्री के, तो उनको देखना चाहता हूँ। और हाँ, ये भी है हमारे दोस्त अर्जुन के भाई मोहित, अर्जुन के लिए आए हैं, मैं पिक्चर देखने अर्जुन को, हम लोग बेसिकली अर्जुन कपूर को सपोर्ट करने के लिए आए। नहीं, मैं दीपिका पादुकोण के लिए भी आया। क्या बात, तू भी आया, ऐसे मत बोल, ऐसे मत बोल, इसी को देखते हैं हम लोग, दीपिका को ही देख ले। कई सारे लुक हैं, लाइफ, लव, रोमांस, पैशन, ऐसी कोई चीज जो वरुण को अभी तक तलाश है, ऐसी कोई फन, फन लाइफ, लव, आप देख सकते हैं जो वरुण को तलाश है अभी तक और अभी तक मिला ये लव नहीं, ये कौन है? हाँ, नहीं मिली अब तक, मतलब मिलूंगा ना अंदर जाके, हाय हेलो बोलूंगा वैसे। वरुण, एक सवाल, आपकी जो फिल्में आई हैं अब तक, उसमें आप हीरोइज्म ज्यादा कर रहे हैं, तो अब एक्टिंग वाइज अगर बात की जाए, परफॉर्मेंस हो जाए, बात की जाए, तो अब उस तरह की फिल्म करना चाहेंगे, अगर करना चाहते तो किस तरह का कैरेक्टर या उसके बारे में? नहीं, आई थिंक उस तरीके की फिल्म करना भी एक आर्ट है, इट्स नॉट वेरी इजी टू डू दैट, सो मैं वो अग्री नहीं करूँगा, बट आई थिंक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड या इफ़ यू आस्क की दूसरे थीम की फिल्म करना चाहूँगा, तो वो मैंने किया है बदलापुर, विच विल रिलीज ऑन Feb 20th, और आई एम वेरी एक्साइटेड एक्चुअली, आई एम मीटिंग माई डायरेक्टर आफ्टर वेरी लॉन्ग, श्रीराम, वो आसानी से लोगों से मिलते नहीं है, तो आज उनसे मिलने का मौका। बहुत बोला तो थोड़ा सा चाहेंगे कि बताएं बदलापुर के बारे में क्या है, थोड़े मैं नहीं बता सकता कुछ, क्योंकि सब कुछ तो मैं बस यही बता सकता हूँ कि इट्स बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स,
एक असली कहानी पे आधारित है ये पिक्चर, और जो कि इंडिया में हुआ था, पूना में ऐसे एक हादसा घटी थी, एंड इट्स बेस्ड ऑन दैट। आपके अपोजिट कौन है? बहुत, आई थिंक यामी गौतमी है इसमें, हुमा कुरैशी है, राधिका आप्टे है, विनय पाठक, नवाजुद्दीन सिद्दीकी है जो बहुत ही बेहतरीन कलाकार है। सो एंड इट्स अ वेरी वेरी फिल्म इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, वांट पीपल टू वॉच इट। ये नया लुक है ना, अभी आपने मुझे इसमें देखा नहीं, वो मैं नहीं देखा हुआ, वो मैं आपको अकेले में देखूंगा। डांस रिहर्सल से आ रही हूँ, सो क्लोज, मतलब कार्डियो ही है डांस रिहर्सल से। ट्रेलर देखा होगा? डेफिनेटली, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ये जो बट वाला डांस करते हैं ये, तो वो फिल्म में देखने से आई थिंक मजा आएगा। या अभी मुझे किसकी तलाश है, आई थिंक थोड़ा स्पीडी अगर रिकवरी हो जाए लेग का तो क्या होगा, तो अच्छा होगा। इनसे भी पूछिए, इनसे भी पूछिए। नहीं, मैं ऐसे ही टाइम पास करना है, अभी मैं बोल तो बेसिकली मेरा वो एक लेग इंजरी है मुझे, तो काफ़ी हफ्तों से मतलब रेस्ट कर रही हूँ, तो मैं खोज में हूँ कि जल्दी रिकवर हो जाऊँ ABCD2 के लिए, क्योंकि शूट अभी चालू है, तो होपफुली आई विल रिकवर सून। नहीं, मैं हमेशा अपने डैड का नाम नहीं लेती के रोल, लेकिन यहाँ पे अलग अलग पांच कैरेक्टर हैं, आपको फिल्म में सबसे ज्यादा पसंद किसका कैरेक्टर है? आई थिंक ये सब कैरेक्टर्स इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, द वे दैट प्रोमो में दिखाया जा रहा है, इट्स लुकिंग वेरी, एवरीवन इज लुकिंग वेरी डिस्टिंक्ट, सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। यस बिल्कुल, तो मैं एक्साइटेड हूँ, होपफुली मैं भी वरुण की तरह अच्छा डांस कर पाऊंगी, उन्होंने तो प्रूव ही किया है कि वो अच्छे डांसर है, तो होपफुली मैं भी कर पाऊंगी। हाँ जी, अगर देना हो श्रद्धा को तो वो कौन सा? थैंक यू। वरुण भाई कौन है, आना कौन है, जो भी है सादा जी, वरुण भाई आपके आपके लेफ्ट साल के बाद रिलीज हो रही है, आपके लेफ्ट में दोनों सर, सादा मैडम सर, आपके लेफ्ट में एक जाप्पी, एक जाप्पी मैं आपको देता हूँ। ये फिल्म जिस तरह की है बहुत क्यूरियसिटी इसने मराई है, आप किस तरह से देखते हो फिल्म के गाने काफी अच्छी तरह से, आप कितने एक्साइटेड है, कितनी क्यूरियस से क्या कहेंगे? मैं बहुत क्यूरियस तो हूँ, बट आई एम ऑल्सो, मतलब मैं होमी के लिए बहुत खुश हूँ, और अर्जुन के लिए, और सबके लिए जो भी फिल्म में इन्वॉल्व है, आई थिंक इट्स गोना बी फन, मज़ा आएगा। जब इस तरह की बस बनती है, जैसे भी बन रही है, तो आप कितना फिल्म को कितनी पॉजिटिविटी आती है उस चीज से, फिल्म को कितना एक उम्मीद मिलता है कि बहुत अच्छी होगी, मार्केट कलेक्शन अच्छा होगा, इसके बारे में क्या कहेंगे आप, कितना किस तरह से देखते हो रहा है इस फिल्म को, जिस तरह से मार्केट में इसका बज़ बनाया जाए, चाहे वो हैदर का हो, तो वो मैं कहना चाह रहा हूँ, तो किस तरह से देखते हो, कितना प्रॉफिटेबल होगा इस फिल्म को? अगर देखिए, क्यूरियोसिटी तो अच्छी होती है फिल्म के लिए, आप यहाँ से पूछेंगे मैं कैसे, आप कैमरा में, मैडम कैमरा में देखिए, आप कैमरा में देखिए, आप कैमरा में फिल्म देखिए, फिल्म बनती है लोगों के लिए, और लोगों में जब क्यूरियोसिटी होती है और उत्सुकता होती है और देखने की एक्साइटमेंट होती है, तो जाहिर ही बात है कि फिल्म के लिए अच्छी बात है।
कोई फिल्म के बारे में अगर कोई ना बात करे तो वो प्रॉब्लम वाली बात होती है. बट आई थिंक क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट अच्छी होती है हर फिल्म के लिए. हैदर के बारे में जानना चाहेंगे, बहुत अच्छी फिल्म लग रही है, उसके गाने उसके के और शाहिद का जो पूरा एक वो क्या होगा बैठ जाओ तो सवाल तो पूछ रहे तो उसके बारे में प्लीज़ बताइएगा थोड़ा, आप कितने एक्साइटेड हैं, क्या आपका किरदार है? किरदार तो आपको फिल्म में देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ हैदर के लिए और हम सब जो भी फिल्म में इन्वॉल्व हैं बहुत एक्साइटेड है क्योंकि बहुत दिल से बनाई है और हमारी काफ़ी इमोशंस इन्वॉल्व हैं इसमें और उम्मीद करती हूँ कि लोगों को भी बहुत अच्छी लगे. तभी से फिल्म का प्रमोशन काफ़ी कम हो रहा है ऐसा हमें लग रहा है, आपको भी ऐसा लग रहा है कि बहुत कम हो रहा है?